ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज जो है वो 11 सितंबर 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:36 हो रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा एक्सपायरी का दिन था और रिकवरी देखने को मिली, करीब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की तेजी हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो अभी ये जो पैटर्न बन रहा है रिकवरी का, ये क्या पैटर्न बन रहा है आज के लिए, इंट्राडे लेवल्स कहाँ पर होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 10 सितंबर आफ्टर मार्केट आरएसए पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,321। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, यानी ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के भी ऊपर ये ओपन हुआ और वहां से ये ऊपर की तरफ ही निफ्टी इंडेक्स ये ट्रेड होते रहा। तो जो कल हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन लाइव मार्केट में जो वन वे हमें अपसाइड मूव देखने को मिला, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी जरूर थी लाइव मार्केट में। लेकिन जो प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो ये कल के एनालिसिस का एक रिव्यू था। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट के भी हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट जो हमने देखा था वेनसडे को जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, वहां से एक बार फिर से इसने एक गिरावट देखने को मिल रही है। नासडैक करीब 221 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट भी संभल नहीं पा रहे, कमजोरी फिर से वहां पर देखने को मिल रही है। और आज हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग सेशन एशियाई बाजार भी देखे तो एसजीएक्स निफ्टी 43 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, हालांकि जापानीज इंडेक्स 68 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो 140 पॉइंट की इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो ऑल और ग्लोबल मार्केट से इस समय मिला जुला कारोबार आ रहा है। एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है उसके मद्देनजर जो फॉरेन मिनिस्टर्स है इंडिया और चाइना के, उनकी कल मीटिंग हुई तो कुछ 5 पॉइंट्स के ऊपर उनका सहमति हो चुकी है कि बॉर्डर के ऊपर टेंशन को कैसे कम किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। तो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से हमें अपवर्ड तेजी देखने को मिल सकती है। ये टेंशन के कारण एफआईआई भी काफी कॉशियस थे, इन्वेस्ट करे या ना करे, वो उन्होंने अगर पैसा निकाल लिया तो काफी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल एक पॉजिटिव न्यूज अभी इस समय देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल की, यहाँ पर एग्जैक्ट ये और एक लेवल में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 123.6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस लेके ये यहाँ से नीचे आया था। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी यहाँ पर बना था, लेकिन हमने ये सपोर्ट की बात की थी जो यहाँ पर कुछ हफ्तों पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। एग्जैक्ट इस वीक का लो 11,185 का है, नीचे गोल्डन क्रॉस ओवर बनने को है। वीकली चार्ट है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है। अभी रेंज क्या है, 11,750 का रेंज है ऊपर और नीचे 11,200 का सपोर्ट है। निफ्टी इंडेक्स अगर इस लेवल को फिर से एक बार तोड़ता है तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी अगर देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 11,200 का। तो आगे वाले समय में देखना होगा ये 11,200 को ब्रेक करता है या फिर ये जो यहाँ से स्विंग हाई बना है एक छोटा सा, इसको ब्रेक करके फिर से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है या नहीं। ये वीकली चार्ट का सीनरियो है, डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में अगर इसे मैं बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, यानी प्रीवियस बार का हाई लो और क्लोज के ऊपर नेक्स्ट यानी करंट कैंडल का हाई लो और क्लोज है।
तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलती है और वो अपसाइड मूव में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। जब भी डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है जहाँ पर हाई लोअर क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लोअर क्लोज से ऊपर है, तब हमने पास्ट में भी देखा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये देखिए, इसका हाई लोअर क्लोज प्रीवियस कैंडल प्रीवियस बार के हाई लो क्लोज से ऊपर है और यहाँ से हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा था इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर जबरदस्त हाई लो क्लोज ये पैटर्न बना था, प्रीवियस का बार के हाई लो क्लोज के ऊपर है और यहाँ से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ये सिग्नल है कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पर और एक कैंडल बनना जरूरी है। ये जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद और एक कैंडल जिसका हाई लो प्रीवियस कैंडल के हाई लो से ऊपर होना चाहिए, तब कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से ये अपसाइड मूव हमें दिखा सकता है। तो इसके ऊपर हमारा एक और बेसिक वीडियो भी है प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो वो बेसिक वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो आप जरूर देखें, आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से अभी सिग्नल मिला है, यहाँ से रिकवरी हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन का बार यहाँ पर बनना बहुत जरूरी है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियरली अगर कल के हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, यानी 11,464 के ऊपर चला जाता है सस्टेन करता है तो, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,486, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 11,499, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ बढ़ता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस लेवल के पास पास्ट में इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर ये दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, कल भी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ और सेकेंड टाइम में इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है, ये कप हो सकता है और ये एक छोटा सा इसका हैंडल हो सकता है और ये होगा इसका नेक लाइन। तो नेक लाइन को ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है कल के हाई के ऊपर तो यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई सकती है, अदरवाइज ये नेक लाइन को फिर से एज अ सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक हो सकता है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच का गेम काफी महत्वपूर्ण होगा, और अगर नेक लाइन को कंफर्टेबली ब्रेक करता है टुवर्ड साउथ की तरफ तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,412 जो कि पिवट पॉइंट का लेवल है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 100 EMA का ये ग्रे लाइन जो कि 11,396 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।